दोस्तों हम रात भर बड़े ही आराम से सोते हैं, बड़े आराम से। लेकिन जैसे ही सुबह का समय होता है ना, यानी कि 2 से 5 बजे का जब समय होता है, तब हमें कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण है जो आज की इस इन्फॉर्मेशन में हम जानेंगे, ठीक ना। तो क्या होता है कि जब सुबह का होता है इतना कंपकंपी लगने लगता है कि मानो कि और एक चादर और एक कंबल कहीं से मिल जाता तो उसे भी लपेट लेते, ठीक ना, ऐसा ही लगता है। हाँ, इसका पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन क्या है कि जब सुबह का टाइम होता है ना, खास करके 2 से 5, ठीक, अर्ली मॉर्निंग जब 2 से 5 बजे होता है, उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम चला जाता है, जिसके कारण हमें कुछ ज़्यादा ठंड लगने लगती है। जब शरीर का सामान्य तापमान जितना होता है उससे 2 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है, जिस कारण हमें कुछ ज़्यादा ठंड लगने लगती है, ठीक ना। इसलिए हमें लगता है कि कहीं से और एक कंबल मिल जाता तो उसे भी लपेट लेते हैं, ठीक ना। अब जानिए कि यह 2 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान गिरता क्यों है नीचे। वास्तव में होता ऐसे है कि हम पूरी रात तो आराम से सोते हैं, ठीक, लेकिन जो हमें गहरी नींद आती है ना, एकदम जहाँ हम बोलते हैं कि पूरी तरह से खो गए, कोई सपना भी नहीं आता है, ठीक ना, वो सबसे गहरी नींद 2 से 5 बजे के समय ही आता है। और मैक्सिमम लोग इस समय जो 2 से 5 बजे का समय होता है जाग नहीं पाते हैं। भले आप रात भर जाग लें, ठीक, लेकिन 2 से 5 बजे का समय जाग नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से 5 बजे के समय के बीच अगर आप नींद ले लेते हैं, केवल 2 घंटे के लिए ले लेते हैं, तो आप 24 घंटे के लिए तैयार हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं 24 घंटे के लिए अगले, ठीक, 2 घंटे की नींद। और अगर आप पूरी रात मतलब 8 बजे से इधर 1 बजे तक सो गए, ठीक, लेकिन 2 के बाद अगर आप नींद आपकी टूट गई तो बता दूँ कि पूरी दिन आपका बेकार जाता है, आपका तनाव चिड़चिड़ापन लगने रहता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है यार, दिमागी काम करता है हमारे वैज्ञानिक तरीके से। क्यों? क्योंकि 2 से 5 बजे के समय सबसे गहरी नींद होती है, इसलिए इस चीज़ को कभी मिस ना कीजिएगा। 2 से 5 बजे के समय आराम से नींद लीजिए। अक्सर स्टूडेंट भी ऐसा करते हैं कि 2 से 5 बजे के बाद सो जाते हैं, ठीक, इस चीज़ को आप जरूर नींद लीजिए। जान बचे तो लाखों पाएगा दोस्त, ठीक ना, ठंडे से बचिए। सबसे अच्छा तरीका है 2 से 5 बजे के बीच आराम से सोइए। और यह जो समय होता है, सारा माहौल शांत होता है इस समय में। इस समय में अगर आप, जब सारा माहौल शांत होता है, सबसे अच्छे काम के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि आप सोना सबसे अच्छा पसंद करते हैं तो आप सो सकते हैं, लेकिन अगर आप जागना पसंद करते हैं, ठीक, आपको जाग के पढ़ने का मन करता है, तब आप 2 से 5 बजे के बीच अगर जाग के पढ़ लेना तो बता दूँ गजब कमाल कर देंगे, सुभानअल्लाह। आप 1 हफ्ते के अंदर अपना इतना डिफरेंट पाइएगा कि खुद विश्वास नहीं होने लगेगा कि वास्तव में मैं ही हूँ ये, या कोई और हूँ, ठीक ना। आपके सारे इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे ना 2 से 5 बजे के बीच, अगर आप जो भी काम करेंगे पूरे शिद्दत के साथ होगा और पूरी अच्छा काम होगा। तो दोस्त, इस 2 से 5 बजे के समय को खाली मत गवाइएगा। अगर आपको अच्छी नींद लेनी है तो इसे सोइएगा, अगर आपको अच्छा पढ़ना है तो इसे पढ़िएगा, ठीक, लेकिन 2 से 5 बजे के समय को आप ऐसे ही मोबाइल में ना बिताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज आपने जान लिया कि हमारे शरीर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिसके कारण हमें भोर में ज़्यादा नींद आती है और ज़्यादा ठंड लगने लगती है। धन्यवाद।